इंडिया खबर लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है और रुख करते हैं अगली खबर की ओर। पूरे विश्व में कोरोना वायरस को लेकर देश के प्रधानमंत्री ने 21 दिन का लॉकडाउन का आदेश दिया है। इसी बीच एक अलग तस्वीर देखने को मिली। जी हां, आपको बता दें, नर्मदा जिले में 108 इमरजेंसी सेवा में एक कपल ड्यूटी कर रहा है, जिनका एक छोटा बच्चा भी है। बच्चा अपने दादा दादी के साथ घर पर रहता है। यह कपल अपने परिवार की चिंता ना करते हुए लोगों की सेवा में जुटा हुआ है और दिन रात लोगों की सेवा कर रहा है। इंडिया खबर लाइव नर्मदा जिला संवाददाता गौतम भाई व्यास ने इस कपल से बात कर उनकी इस देशभक्ति और राष्ट्र सेवा की कहानी को जाना। प्रस्तुत है गुजरात नर्मदा से इंडिया खबर लाइव संवाददाता गौतम भाई व्यास की एक रिपोर्ट। पूरे विश्व में कोरोना वायरस की महामारी को लेकर लोगों में डर फैला हुआ है। ऐसी सिचुएशन में यहां पर गुजरात राज्य के नर्मदा जिले में 108 इमरजेंसी सेवा की एक कपल जो है वो इमरजेंसी सेवा में अपनी फर्ज बजा रही है। हालांकि जानने को मिला है कि यह जो परिवार है वो अपने बच्चे को अपने घर पे छोड़कर लोगों की सेवा में जुड़ा हुआ है। आइए, हमारे साथ ऐसे ही यहां पर एक कपल जुड़ चुका है, हम उनसे थोड़ी बातचीत करेंगे। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय कुमार मनोहर। जी सर, अभी देखा जाए तो अभी लॉकडाउन की स्थिति चल रही है और प्रधानमंत्री साहब ने संपूर्ण देश में लॉकडाउन का आदेश दिया गया है और ऐसी सिचुएशन में आप यहाँ पर इमरजेंसी सेवा बजा रहे हो, तो लॉकडाउन को लेकर और इसी सेवा को लेकर आपका क्या कहना है? मैं भारतवासी अपना भाई जनता ने क्या मांगू छू कि અમે જે દિવસ રાત ભેગા દિવસ રાત થઈને જે સેવા બજાવે છે 108 માં આવી કપરી પરિસ્થિતિમાં, અત્યારે જે આપણા દેશની પરિસ્થિતિ છે, કોરોના વાયરસ બધે ફેલાઈ રહ્યો છે, મહામારી થઈ ચૂકી છે, એમાં અમે બંને, આ પત્ની છે અને હું જાતે, બંને 108 નો ફરજ બજાવે છે, એ ડે શિફ્ટમાં અને હું નાઇટ શિફ્ટમાં ફરજ બજાવે છે। અમારે એક 8 મહિનાનું બાળક છે, આવી પરિસ્થિતિમાં એને અમારે ઘરે મારા સાસુ સસરા છે, મારી વાઇફના મમ્મી પપ્પા જોડે મૂકવું પડે છે અને અમે ફરજ બજાવીએ છીએ। જ્યારે એ ડ્યુટી પર હોય છે ડેમાં, ત્યારે હું ઘરે સંભાળ રાખું છું એની, જ્યારે હું નાઇટમાં ડ્યુટી પર જાઉં છું ત્યારે એની સંભાળ રાખે છે ઘરે, અને આવી રીતે અમે એડજસ્ટમેન્ટ કરીને બાળકની પર સંભાળ રાખીએ છીએ અને અમારી જે ફરજ છે એ પણ સારી રીતે નિભાવીએ છીએ। અમે અત્યારે હાલની પરિસ્થિતિમાં જોતા અમારે જે સસ્પેક્ટેડ કેસ આવે છે કોરોના વાયરસને રિલેટેડ, એને અમને જે કંપની તરફથી જે ટ્રેનિંગ આપેલી છે, BSI અને PPE કિટ આપેલી છે, એને સંપૂર્ણ એનો ઉપયોગ કરીને સારી રીતે નજીકના આઇસોલેશન વોર્ડ હોસ્પિટલમાં ટ્રાન્સફર કરીએ છીએ પેશન્ટને, અને કેસ પૂરો થયા પછી જે એમ્બ્યુલન્સને અમારા સુપરવાઇઝર દ્વારા જે અમને જે માહિતી આપવામાં આવી છે એ રીતે ડિસઇન્ફેક્ટ કરીએ છીએ, અને પછી જો બીજા કેસ માટે એમ્બ્યુલન્સ તૈયાર કરીએ છીએ, તે વખત બીજા કેસ લેતા નથી, આવી રીતે અમારી કેસ પૂરો કરીએ છીએ કોરોના વાયરસ રિલેટેડ। અને બીજું એ કે અમે બંને 108માં ફરજ બજાવતા હોવાથી અમને થોડી મુશ્કેલી તો પડે છે, બાળકને સાર સંભાળ રાખવામાં પણ થોડી મુશ્કેલી પડે છે, પણ અમે અમારી ફરજને પ્રાધાન્ય આપીને અમારી ફરજને પ્રાધાન્ય આપીએ છીએ, અને જે અમારું જે ફરજ છે દેશ પ્રત્યે જે અમારી ફરજ છે, 108માં જોબ કરીએ છીએ તો ફર્સ્ટ જેને પ્રાધાન્ય આપીએ છીએ અમારી ફરજને, અને બાળકની પણ સંભાળ રાખવાની હોય છે, પરંતુ હવે શક્ય નથી બંને સાથે રહેવું, તો મારા જે સાસુ સસરા છે, મારી વાઇફના મમ્મી પપ્પા, એમની જોડે બાળકને રાખીએ છીએ અને એ સારી રીતે ઘરે રહે જ છે, પણ કોઈ વાર જો એ નથી રહેતું ને રડે ને એવું કરે છે તો વિડીયો કોલ કરીને અમે એને રમાડીએ છીએ, પણ શું કરવું, બીજી કોઈ એ નથી તો અમે બાળકને આ રીતે રમાડી લઈએ છીએ અને સંતોષ કરી લઈએ છીએ। और भी यहाँ पर हमारे साथ 108 इमरजेंसी सेवा के एक अधिकारी जुड़ चुके हैं, हम उनसे भी थोड़ी बातचीत करेंगे। जी सर, अभी यहाँ पर संपूर्ण देश में प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन का आदेश दिया है और यहाँ पर आप 108 इमरजेंसी सेवा की में फर्ज बजा रहे हो, तो यहाँ पर लॉकडाउन की स्थिति को लेकर 108 में कैसी कैसी सुविधाएँ उपलब्ध की गई है? 108 में अभी जो कोविड-19 का जो कहर चल रहा है उसको चलते हुए हमारी हर एम्बुलेंस के अंदर PPE किट, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किट दिया हुआ है, और उसके अलावा एम्बुलेंस को डिसइंफेक्टेड करने के लिए स्प्रे भी दिया हुआ है, और लोकल अथॉरिटीज़ को मिलकर हम लोग एम्बुलेंस को क्लीन भी करवाते हैं और डिसइंफेक्टेड भी करवाते हैं, सैनिटाइज करवाते हैं, कि ये जो केस है लोकल ट्रांसमिशन में ज़्यादा फैल रहे हैं और पब्लिक अभी तक समझ नहीं रही है कि लोकल ट्रांसमिशन होता कैसे है, क्योंकि एक को अगर कोविड-19 इन्फेक्टेड है लेकिन उसको क्या है 14 दिन तक इंक्यूबेशन पीरियड रहता है, उसके जो सिम्टम्स है 14 दिन के बाद आते हैं, तब तक दूसरे को भी पता नहीं चलता कि वो भी इन्फेक्टेड हो गया है, तो ये जो मामूली सी बात है लेकिन लोगों को अपने दिल में और दिमाग में उतारनी चाहिए कि ये एकदम से नहीं आ जाता है, कोविड-19 जो है एकदम से बाहर नहीं आ जाता है, लेकिन 14 दिन के बाद जब इन्फेक्टेड लोग साइन और सिम्टम्स बाहर आते हैं
तब पता चलता है कि हाँ ये इसको इन्फेक्टेड हुआ है। तो ये थे हमारे 108 इमरजेंसी सेवा के नर्मदा छोटाउदेपुर का स्टाफ, जो यहाँ पर लॉकडाउन की परिस्थिति में भी अपने घर परिवार की चिंता न करते हुए लोगों की सेवा में जुड़ा हुआ है। इंडिया खबर लाइव से मैं गौतम व्यास, गुजरात नर्मदा।